ये देखिए गाइस, मैंगो की आइसक्रीम बिना गैस जलाए, बिना किस कम दूध से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है, इसको बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फी, वो भी बिना गैस जलाए, क्योंकि आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि हम गैस के पास खड़े तक हों 5 मिनट भी। तो चलिए बनाते हैं मैंगो कुल्फी, देखिए कैसे बनती है। तो इसके जो हम इसको छील लेंगे, ठीक है, इसका जो ये पिलर है इसके सहायता से हम इसका छील के छिलका निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अपना आम कट कर लिया है छोटे छोटे पीसों में, ठीक है। ये देखिए, ऐसे सारे आम को हम कट करके पीस में बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारा आम कट हो चुका है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए गाइस, 4 से 5 स्पून हम चीनी डालेंगे या स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने 6 स्पून चीनी इसमें ऐड करी है गाइस। इसको हम करेंगे ग्राइंड जिससे कि थोड़ा सा महीन हो जाए। ये देखिए गाइस, चीनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। देखिए मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे नॉर्मल से थोड़ा सा दूध। ये देखिए गाइस, आधा कप दूध है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, गुनगुना दूध है। आपके पास मलाई हो तो आप मलाई ऐड कर लीजिए, हमारे पास मलाई नहीं थी इसलिए दूध ऐड किया। और अब इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखिए गाइस, 2 स्पून घी ऐड करेंगे, सिर्फ 2 स्पून जमा हुआ घी है। अगर आपका पिघला हुआ है तो आप उस हिसाब से घी ले लीजिए, 4 स्पून कर लीजिए 2 का। ये देखिए घी हमने ऐड कर दिया है, तो इसको अब हम फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस, ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने आम की पीसेस और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा पीस चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब इसमें हम डालेंगे, देखिए इसमें हमने दूध डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पानी का बैलेंस करने के लिए, जैसे दूध का बैलेंस करने के लिए हम दूध पाउडर ऐड करेंगे। 1 स्पून, 2 स्पून, 3, ये हमने 5 स्पून, 6 स्पून हमने इसमें दूध पाउडर ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसको फिर से चर्न कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए चर्न कर लिया, तो इसमें हम देख लेंगे एक बार स्मूथली कि इसमें कोई गांठ या कोई अच्छे से मिक्स हो गया या नहीं, ये चीज देखनी है। देखिए अगर मलाई है तो आप घी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कंडेंस मिल्क है तो चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप 2 में से 1 चीज ऐड कर सकते हैं, चाहे कंडेंस मिल्क डाल लीजिए चाहे चीनी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया है बिल्कुल। तो चलिए चाहते हैं इसको। ये देखिए गाइस, इस तरह का मोल्ड ले लिया है, ठीक है, कुल्फी मोल्ड। अब इसमें हम अपनी ये फिलिंग भरेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा पूरा मोल भर गया है। तो अब इसको हम बंद करके फ्रीजर में अच्छे से कोट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा गाइस, जो इसमें सबसे अच्छी टिप है कि आप इसको मोल को अपना जमाते समय धुलिएगा जरूर एक बार, क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लो उसमें बाइंड रह जाता है ना, थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो जब आप निकालोगे तो डीमोल्ड बहुत अच्छे से होगा। और देखिए गाइस, अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने जो टूटी फ्रूटी बनाई थी तरबूज के छिलकों से, बस इसी से हम इसको गार्निश करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से गार्निश करके इसको हम अब अच्छे से बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर फ्रीजर में रखेंगे। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये टूटी फ्रूटी की अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो हम इसमें इन स्क्रीन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए सारा का सारा हम ऐसे बंद करते हैं अच्छे से और इसको फ्रीजर में रखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा समस्या है लाइट की, तो आप अपना हिसाब से रख लीजिएगा जैसा आपका फ्रीजर में जम पाए, क्योंकि फ्रीजर की जो वो होती है ना पावर आइसक्रीम जमाने की, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कितने दिन कितनी देर में जमेगा। कुछ लोगों का जल्दी जम जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा देर से जमता है। तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो चलिए इसको हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए, ठीक है। तो अच्छे से कवर कर दिया है और अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे
आराम से जमने के लिए। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। ये देखिए गाइस, हमने इसको फ्रीजर में रख दिया अच्छे से जमने के लिए और इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एवरीवन, हमने सोचा था कि ओवरनाइट लगेगी जमने में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये हमारी जमकर बिल्कुल रेडी है आइसक्रीम। 5 से 6 घंटे लगा है और बस अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए, देखिए इस मोल्ड को भरने के बाद में भी बच गया था, तो इस हमने छोटी सी ग्लास में भी जमा दिया है। ये देखिए, ठीक है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह की ग्लास में भी आप आराम से जमा सकते हैं। और देखिए, हमारे पास वो लकड़ी भी नहीं थी जो आइसक्रीम होती है स्टिक, तो हमने स्पून लगा दी। तो देखिए, इसको ऐसे हाथ में थोड़ी देर ऐसे से करेंगे और ये आराम से निकल आएगी। ये देखिए गाइस, निकलने लगी है। ये देखिए, हल्का सा ऐसे टर्न करते हुए ही हमको निकालनी है धीरे से। ये देखिए कितनी अच्छी कुल्फी जमी है हमारी। तो चलिए निकालते हैं सारी, फिर मिलते हैं आपसे आके। तो गाइस, रेसिपी मैंगो की आइसक्रीम बहुत प्यारी, बहुत यम्मी है। तो प्लीज घर में ट्राई करिए और बनाइए आराम से और खाइए, और अपनी ये रेसिपी इंजॉय करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।